तो गैस आज हम एक ऐसा बैटरी बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी आसानी से और इजीली तरीके से बनाने वाले हैं, क्योंकि गैस हम इस बैटरी को बनाने के लिए यूज में लेंगे डिस्टिल वाटर या फिर नॉर्मल वाटर जो पीने में यूज किया जाता है। इन दोनों वाटर से आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो गैस ये जो बैटरी होने वाला है, क्या इस पर इन्वर्टर वर्क करेगा या फिर नहीं, तो गैस इस वीडियो में हम सब कुछ पता लगाने वाले हैं क्या इस बैटरी पर इन्वर्टर चलेगा या फिर नहीं। तो गैस आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गैस इसमें डालना होगा नमक। नमक जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, इसको मिक्स कर देंगे। और गैस इसमें हमें ज़रूरत होगा एल्युमिनियम फॉयल और कॉपर का जो फॉयल आता है इसका, क्योंकि गैस कॉपर का जो फॉयल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा और ये जो है एल्युमिनियम फॉयल ये निगेटिव टर्मिनल का। गैस पहले एक सेल का हम वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं कितना वोल्टेज इसमें आता है। तो ये जो है ये टर्मिनल ये निगेटिव का हो गया और ये जो कॉपर वाला जो है ये पॉजिटिव का हो गया। ऑलराइट गैस यहाँ पर जो है हमारा जो बैटरी जो है बन के कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो है 1.30 या 40 वोल्ट के आसपास निकाल रहा है। तो गैस एक सेल जो है इस तरीके का ये 1.30 to 40 वोल्ट निकाल रहा है। तो गैस इसी तरीके से हम 10 सेल बनाने वाले हैं और 10 मिलकर 12 वोल्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो गैस हम फटाफट इन सभी को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो है वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाता है और एम्पियर जो है सेम रहता है। तो फटाफट हम 10 सेल बनाते हैं और इन सभी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इन सभी में हम नमक को ऐड कर देते हैं। तो गैस इन सभी में हमने नमक डाल दिया है। और गैस ये जो है ये निगेटिव का काम करेगा यानी कि एल्युमिनियम फॉयल, और ये जो है कॉपर वाला पॉजिटिव का काम करेगा। तो इन दोनों को कुछ इस तरीके से डाल देना होगा। तो गैस यहाँ पर देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ है। तो गैस उसी तरीके से हम निगेटिव इसमें डाल देंगे और गैस यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा कुछ इसी तरीके से। तो गैस इसी तरीके से हमारा सीरीज चलेगा। तो गैस यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो गैस यहाँ पर हमने 15 कप को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं इसका कितना वोल्टेज निकलता है। गैस यहाँ पर जो है 9.5 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज निकाल रहा है। तो गैस ये तो 12 वोल्ट नहीं निकाल रहा है क्योंकि गैस हमारे पास जो है कप भी खत्म हो गया है। तो गैस ये 9.5 वोल्ट निकाल रहा है। तो गैस इस पे लाओ तो छोटा मिनी इन्वर्टर लाओ तो यहाँ से। तो गैस यहाँ पे ये एक मिनी इन्वर्टर है, इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो गैस यहाँ पर देखिए इन्वर्टर में जो है लाइट आ चुका है। तो गैस इस पर हम एक बल्ब लगा कर देखते हैं बल्ब जो है हमारा जलता है या फिर नहीं। यहाँ पर जो है हमने LED को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं। तो गैस यहाँ पर तो इन्वर्टर ऑन हो गया है बट ये जो बल्ब जो है नहीं जल रहा है। तो गैस पता नहीं यहाँ पर जो है आई थिंक इसका जो वोल्टेज जो कम है इसकी वजह से ये नहीं जल रहा है। तो गैस ये भी एक 12 वोल्ट का ही बल्ब है, इसको जलाकर देखते हैं ये जलता है या फिर नहीं। तो गैस यहाँ पर जो है बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिए हैं और निगेटिव यहाँ पर है तो इसको इसमें कनेक्ट करते हैं। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी कम रोशनी दे रहा है। तो गैस यहाँ पर जो है 12 वोल्ट पे जो बल्ब जो जलता है ये भी नहीं जला है और गैस यहाँ पर 3.5 वोल्ट पे जलता है ये भी नहीं जला है, क्योंकि गैस इसको एक साथ सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसका जो वोल्टेज जो है ये तो इंक्रीज हो जाता है बट गैस इसमें जितना पावर चाहिए बल्ब को जलाने के लिए यानी कि पावर बोल सकते हैं आप एम्पियर, तो गैस इसको इतना एम्पियर नहीं मिलता है। और जैसे ही हम किसी अप्लायंसेस को इसके साथ कनेक्ट करते हैं इसका जो पावर जो है काफ़ी जल्दी घट जाता है। तो गैस इसी वजह से जो है कोई अप्लायंसेस इस पर वर्क नहीं करता है। ऐसे अगर वर्क करता तो सभी बैटरी बनाकर यूज करता तो बैटरी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर गैस इस पर थोड़ा 2-3 ओम का जो बल्ब जो आता है जो कि इन्वर्टर वगैरह या टॉर्च वगैरह में चार्जिंग के वक्त जलता रहता है ये बल्ब इस पर ज़रूर जल जाएगा बट गैस आप चाहिएगा कोई लाइट वाला बल्ब जला ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गैस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।